हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनल और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज का जो मेरा वीडियो है वो है मेरी वेडिंग साड़ीज का कलेक्शन, जो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मैं आज आपको अपनी शादी के टाइम पे जो मैंने साड़ियों की शॉपिंग की थी उसका कलेक्शन मैं आज आपको दिखाऊंगी। मैं सारे साड़ियाँ तो आपको आज नहीं दिखा पाऊंगी, बट मैं आपको थोड़ी साड़ियाँ दिखाऊंगी। एंड ये जो वीडियो है ये टू पार्ट्स में आएगा। तो आज फर्स्ट पार्ट है। मैंने अपनी शादी में बहुत ज्यादा हैवी साड़ियाँ नहीं खरीदी थी, बिकॉज मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसी साड़ियाँ लूँ जो मैं शादी के 2-3-4 साल के बाद भी इजिली वेयर कर सकूँ। मुझे ऐसा फील ना हो कि ये शादी के टाइम पे ही पहन सकते हैं हम लोग और कहीं नहीं पहन सकते। तो मैंने माइंड में ये रख के साड़ियाँ ली थी कि मैं ऐसी साड़ी लूँ जो मैं शादी के बाद भी इसको वेयर कर सकूँ। एंड ये नहीं कि सिर्फ मैं शादी में ही इसे पहनूँ, नहीं, मैं कहीं में भी अगर छोटे से फंक्शन में जा रही हूँ तो भी मैं पहनूँ। मुझे ऐसा फील ना हो कि यार ये और लगेगा, ऐसा कुछ नहीं, फटाफट पहन लिया, डाल लिया और चले गए। तो उस टाइप का माइंड में रख के मैंने सारी साड़ियों की शॉपिंग की थी। इवन मेरे इन-लॉज के यहाँ से भी मुझे जो साड़ियाँ आई थी वो कुछ इसी तरीके से आई थी कि ना ज्यादा हैवी हो और ना ज्यादा लाइट हो। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मैं आपको आज जो फर्स्ट साड़ी दिखाऊंगी वो है पिंक कलर की साड़ी। यस, ये कलर पिंक कलर मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये पिंक कलर की साड़ी है जो एक्चुअली और ये मेरी इन-लॉज की साड़ी है जो मैं आपको फर्स्ट दिखा रही हूँ। और मैं ये जितनी भी साड़ियों की शॉपिंग है ना, ये सारे मेरे हस्बैंड की चॉइस है, उन्होंने ही पसंद किए सारी साड़ियाँ, उनके कलर। तो ये देखिए, ये साड़ी बहुत ही अच्छी है, इसका बॉर्डर बहुत हैवी है। एंड ये जो साड़ी है ना, ये नेट की है। मुझे नेट साड़ियाँ ज़्यादा पसंद नहीं है, बिकॉज नेट साड़ियों को जब हम पहनते हैं ना तो उसे बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है, बिकॉज उसका अंदर हमारा जो स्कर्ट होता है साड़ी के नीचे वाला वो भी बहुत अच्छा आयरन होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं दिखना चाहिए। डोरी है अगर किसी गलती से कोई अलग कलर की हो गई तो नज़र में नहीं आनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सोचकर मैं ना ज़्यादा मतलब पसंद नहीं करती थी। एंड इवन जब हम लोग यहाँ से प्लीज पल्लू लेते हैं तो हमारा स्टमक दिखता है, कभी हमारा ब्लाउज अगर बहुत डीप नेक हो जाता है तो वो दिखता है आगे से, तो बहुत अनकंफर्टेबल सा मुझे फील होता है। मुझे पसंद है बट फिर ऐसा होता है कि उसको पहनने के लिए ना हमें बहुत वेल मेंटेन तरीके से पहनना पड़ता है, एंड इजीली हम उसे कहीं भी कैरी नहीं कर सकते। तो मैं लेना नहीं चाहती थी, बट मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद थी तो उन्होंने नेट साड़ी ली। बट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये जो नेट साड़ी है ना, ये हाफ नेट है, मीन्स इसका जो पल्लू बोलते हैं, इसकी जो प्लीट्स आ रहे हैं ना, प्लीट्स आपको पूरे नेट के आएंगे। एंड उसका जो यहाँ से जो उसकी पल्लू आ रहा है या पूरा स्कर्ट जो हम जो ढक रहे हैं वो सारा कुछ ये सिल्क पैटर्न का है। एंड बाकी जो आप नीचे देखेंगे ये नेट है। सो ये जो अंदर जब हम डालते हैं और उसके बाद जो प्लीट्स हम लेते हैं वो नेट की आती है, एंड बाकी जो साड़ी है वो पूरी इस तरीके की सिल्क की है, सिल्क की आती है। ये साड़ी अपने में बहुत ही अच्छी है, बहुत लाइट वेट नहीं है और बहुत हैवी भी नहीं है। आप इसे कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। वेडिंग्स में थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी और थोड़े बहुत फंक्शन में भी आप इसे पहन सकते हैं। अगर कहीं पिक्चर्स मैंने रखे होंगे तो मैं ज़रूर आपको डालूंगी मैंने साड़ी में देखी होगी। तो ये साड़ी बिल्कुल प्लेन साड़ी है आगे से, एंड इसका जो बॉर्डर है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी बॉर्डर है, बहुत ही हैवी बॉर्डर है और बहुत सुंदर सा बॉर्डर है। इसका काम जो है वो बहुत ही सुंदर सा किया हुआ है। ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है और बहुत लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ फंक्शन, सिर्फ शादियों में इसे पहन सके, नहीं, आप इसे इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। एंड ये देखिए, ये जो इसका नेट है, ये नेट पूरा प्लेन है, नेट पूरा प्लेन दिया हुआ है। तो ये साड़ी बहुत ही सुंदर है। ये मैंने लगता है किसी के वेडिंग में, मैंने जब मैं शादी करके आई थी तो मैंने किसी के वेडिंग में डाला था। और सबसे अच्छा बात ये, जब आप पल्लू है ना, ये पल्लू के बीच में ये जो पर्ल्स मोती लगे हुए हैं ये भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। एंड ये पल्लू है, ये जो चारों बाकी जितना है बॉर्डर है, पूरी साड़ी प्लेन है, ये सिर्फ बॉर्डर है और बाकी जो पल्लू है वो चारों तरफ से है। तो ये, और अगर आप बाकी साड़ी देखेंगे तो आपको बाकी जो साड़ी है कुछ इस तरह से, ये साड़ी ये है, बहुत ही प्यारा कलर है लाइट में, और आप मॉर्निंग के टाइम में भी इसको पहन सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है, खिलता भी है और पिंक कलर है तो और ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट साड़ी है वो मैंने परचेज की है अपनी मम्मी के यहाँ से, वो भी मैं दिखाती हूँ, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है। एंड ये है बॉटल ग्रीन कलर की साड़ी। यस, देखिए
बॉटल ग्रीन कलर की साड़ी है एंड इसमें जो छोटे छोटे ये टैसल्स है ना, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। पर ये साड़ी भी बहुत ही अच्छी है, बहुत लाइट वेट है, आप इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। एंड ये बॉटल ग्रीन के साथ जो ये रेड कलर है, ये इसकी जान है, सीरियसली बताओ, बहुत अमेजिंग लगता है। पूरा प्लेन है ये साड़ी भी, एज यूजुअल पूरी प्लेन साड़ी है। बॉर्डर है वो इस तरीके की है और छोटे छोटे इसमें ये फ्लावर्स बने हुए हैं एंड इसका जो पल्लू है वो भी सेम इसी तरीके का है, बस उसमें ये टैसल्स ऐड हो गए हैं, तो ये साड़ी की जान बन जा रहे हैं। ये फ्रेंड्स, ये साड़ी भी फ्रेंड्स बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, आप इसको इसीलिए कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। मैंने अपनी पूजा में शायद किसी पूजा, हाँ हमारे, मैं अपनी मॉम के यहाँ ही गई थी, तब सिंदूर दान बंगाली और सा होता है ना नॉर्थ में दुर्गा पूजा का सिंदूर दान, तो मैंने वहाँ पे इसे पहना था। तो ये भी बहुत सुंदर साड़ी है, जैसे मैंने आपको कहा मैंने बहुत ज़्यादा हैवी साड़ियाँ नहीं ली हैं, तो मैं ऐसी ही साड़ी वेयर कर रही हूँ कि वो ज़्यादा पुरानी भी ना लगे एंड आप इजीली इसे कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। सो ये थी मेरी सेकेंड साड़ी एंड थर्ड साड़ी आई विल शो यू विच इज प्योर बनारसी। यस, प्योर बनारसी एंड द कलर इज जस्ट वाओ, जस्ट लुक एट दिस, है ना प्यारा सा कलर। ये कलर बहुत ही प्यारा है फ्रेंड, मुझे बहुत पसंद है ये साड़ी, पूरी पर्पल कलर की साड़ी है एंड बनारसी, बनारसी कभी पुराना नहीं होता, कभी ओल्ड फैशन नहीं होता, आप इसे सालों साल इजिली कैरी कर सकते हैं। इसे जैसे ये बनारसी हो गया, सिल्क हो गया, हम ये साड़ियों को ना एवरग्रीन साड़ियाँ बोलते हैं, ये साड़ियाँ कभी नहीं जाती फैशन से, नेट वाली ले लो या कुछ और साड़ियाँ वो आउट के बाद आउट फैशन साड़ियाँ हो जाती, नेट वाली वो कुछ टाइम के बाद ना वो नेट साड़ियाँ आउट फैशन हो जाती है, बट ये साड़ियाँ कुछ ऐसी है जो कभी पुरानी नहीं होती। सो ये एंड ये भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है बिकॉज बनारसी अपने आप में ही मतलब हैवी है भाई, बनारसी है, बट फिर भी इसका जो बॉर्डर है एंड इसका सबसे अच्छी बात क्या है, ये साड़ी पर्पल कलर की है एंड इसमें सिल्वर कलर, दिल छू लेता है ये साड़ी, पता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये साड़ी, बिल्कुल सेम ऐसी ही साड़ी है, कुछ भी नहीं पूरा ये क्या हुआ है, इस तरीके से पूरी साड़ियों में छोटे 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 ये डिजाइन बने हुए हैं एंड बॉर्डर इज लाइक दिस एज यूजुअल, पल्लू भी चारों तरफ से इसी तरीके का बॉर्डर है और पल्लू थोड़ा हैवी है, इसमें डिजाइन किया हुआ है पर्पल कलर की है और पूरा बॉर्डर इस तरीके, पूरे पल्लू इस तरीके का है, बाकी जो है इसका बॉर्डर है एंड ये साड़ी बिल्कुल प्लेन है, बट ये साड़ी बहुत ही सुंदर है, आप इसे कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, ये एवर ग्रीन साड़ी है और रात के टाइम पे तो लाइट्स के बीच में अगर आप इसे पहन लो तो ये इतनी प्यारी कलर देखिए, सिर्फ इसे लगा लो तो मजा आ जाता है। सो ये साड़ी भी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, ये प्योर बनारसी साड़ी है जो हम लोगों ने बनारस से मंगवाई थी। सो ये देखिए कैसी लगी आपको ये साड़ी, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको जितनी भी साड़ियाँ दिखा रही हूँ ना आपको सबसे अच्छी साड़ी इसमें से कौन लगी, प्लीज 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 मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, सो द नेक्स्ट साड़ी वो है मेरे इन-लॉज के यहाँ से ली है ये साड़ी भी, और ये जो साड़ी है ना ये बोलते हैं इसको घड़चोड़ा, हम गुजराती में शादी में घरचोड़ा कंपल्सरी रहता है जो ससुराल के तरफ से आता है, जो हम शादी के सेकंड फर्स्ट डे जब होता है या कुछ पूजा करते हैं तो उस समय पहन के बैठते हैं। सो ये मुझे अपने इन लॉज के यहाँ पे आई थी और इन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन लोगों को मैंने मतलब मम्मी पापा को बता दिया था मेरे हस्बैंड को कि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी साड़ियाँ नहीं पसंद है, सो इन लोगों ने मेरे लिए उसी के अकॉर्डिंग भी जो घरचोड़ा था वो थोड़ा लाइट वेट का लिया। घरचोड़ा लाइट है बट बॉर्डर बहुत ही अच्छा और बहुत ही हैवी है ये, बहुत ही, और बाकी क्या सिल्क के घरचोड़े आते हैं बट मैं जैसे हैवी हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी हैवी साड़ियाँ पहनूंगी तो मैं मोटी ना लगूँ, बहुत ज़्यादा फुली फुली ना दिखूँ, बोल के मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि मैं लाइट वेट ही साड़ियाँ लूँ, इसलिए मैंने ये वाली भी मतलब मैं बहुत ज़्यादा मोटी ना दिखूँ इसलिए मैंने सिल्क का घरचोड़ा नहीं बोल के बोला था, कैसे जॉर्जेट का या कुछ अच्छा सा शिफॉन का कोई ऐसा अच्छा सा लेना जो हैवी भी हो और अच्छा भी हो, तो उन लोगों ने ये लिया एंड इसमें भी छोटे 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 से ना ये स्टोन वर्क दिए हुए, ये पूरी साड़ी में है एंड ये प्यारा सा सुंदर सा हैवी बॉर्डर है, ये साड़ी भी अपने आप में बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, मैंने इस साड़ी को दो बार पहन लिया, मेरी कजन की शादी थी उसमें हम लोगों को कलश उठाना था उस टाइम पे मैंने ये साड़ी पहनी थी, तो ये वाली
सो उस टाइम पे मैंने ये साड़ी पहनी थी। सो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये साड़ी भी कैसी है और आपको कैसी लगी। ओके सो द नेक्स्ट साड़ी विच आई विल शो यू इज द ऑरेंज कलर। यस, हमारे ठाकुर जी का फेवरेट कलर ऑरेंज, कन्हैया का फेवरेट कलर ऑरेंज। जैसे हम मानते हैं कि कृष्णा को ऑरेंज कलर बहुत ही पसंद है, तो एक साड़ी तो उनकी बनती है फेवरेट। तो ये थी ऑरेंज कलर की साड़ी जो मैंने खरीदी थी, और ये साड़ी भी मुझे बहुत 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 ही अच्छी लगी। बहुत लाइट वेट है ये, तो इतनी लाइट वेट है मैं आपको क्या बताऊँ। कहीं में भी आप इसको कैरी करो, इजीली कैरी करो, कुछ भी टेंशन नहीं था, कुछ भी नहीं है। हल्का सा लाइट सा इसमें बॉर्डर दिया हुआ है गोल्डन कलर का, ये देखिए। एंड साड़ी का जो नीचे है वो इस तरीके का है, पूरी साड़ी प्लेन है। पल्लू जो है, पल्लू में भी इस तरीके का बॉर्डर दिया हुआ है, इस तरीके की डिजाइन बनी हुई है, इस तरीके की डिजाइन बनी हुई है। बाकी पूरी साड़ी आपको प्लेन, थोड़ी क्रेप की साड़ियां हैं, तो इसका कपड़ा जो है वो थोड़ा कुछ उस तरीके का है, बट ये बहुत ही लाइट वेट है। आप इसे कहीं पर भी कैरी करिए। मैंने तो इसे कार्ड जब बांटने जाते हैं शादी का उसमें पहन लिया, फिर एक फंक्शन था उसमें पहन लिया, माता रानी का किचन था उसमें भी मैंने इसे पहन लिया। बहुत मजा आता है, बहुत ही लाइट वेट है। इसे मैंने जो इसका ब्लाउज है ना वो मैंने थोड़ा डिजाइनर सिलवाया था, एंड इसका ब्लाउज जो है वो नेट है। ब्लाउज कलेक्शन वीडियोज भी जरूर बनाऊंगी। सो अभी फिलहाल साड़ी देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये साड़ी बहुत अच्छी है। थोड़ा इसका ब्लाउज मैंने डिजाइनर सिलवा लिया था ताकि थोड़ी हैवी लुक में आ जाए, एंड ये बहुत ही प्यारी लगती है पहने हुए भी। हल्की सी है, पतली सी है, पहन लो मजे करो, कुछ पता ही नहीं चलता कि कब कहाँ पहना है, और लाइट वेट है। एंड द नेक्स्ट साड़ी इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ नेट वाली साड़ी, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेट जो साड़ियाँ होती है वो बहुत पूरी साड़ियाँ मतलब हम नहीं है पहन पाते, और मुझे अच्छी नहीं लगती इतनी नेट साड़ी। तो इसीलिए ये साड़ी भी जो है उस टाइम में जो फैशन था उसके अकॉर्डिंग नेट साड़ी ली है। बट जो ये साड़ी है वो भी इसी तरीके से है, हाफ नेट और हाफ, ये पता नहीं किसी कपड़े को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, यू नो। ये कपड़ा भी अच्छा है, पता आपको बॉडी में से चिपक सा जाता है, बहुत लाइट नहीं बोलूंगी। ये साड़ी जो है ना, ये कपड़े का नाम मुझे नहीं पता, ये क्या है नहीं जानती मैं इसको, क्या कपड़ा बोलते हैं गद्वाल, पता नहीं क्या बोलते। ये बहुत हैवी साड़ी, बाप रे ये बहुत हैवी साड़ी, ये तो मुझे ऐसा लगता है 10 किलो की साड़ी है। ये इसका बॉर्डर नीचे, ओहो ऐसा लगता है किसी ने भर भर के इसमें ऐसा पत्थर डाले हैं कि ये साड़ी ना मैंने मुझे एक्चुअली ये जो साड़ी है ऐसी एक और साड़ी है वो है रेड कलर की, मरून में है, वो भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी, इसी तरीके की है। मैंने वो साड़ी अपनी कज़न की शादी में पहनी थी, एंड वो कैरी करके मेरी हालत ऐसी ख़राब हो गई थी कि मैंने कभी इसे तो पहना ही नहीं, मतलब ऐसा हालत ख़राब हो गया था। मैं उसके वो जो साड़ी, इसमें क्या है ना ये जो पल्लू है वो इस तरीके का, और वो वाली जो साड़ी उसमें जो नेट है ना वो उसका पल्लू। बट ये साड़ी इतनी ज्यादा हैवी है कि इसको कैरी करना इज लाइक माय गॉड, सोचना पड़ता है इसको पहनने के लिए। मैंने बोला ना, मैंने एक बार वो मैरून कलर की पहनी थी, उसके बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उस साड़ी को दोबारा पहनूं, ऐसी कैसी रखी हुई है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो साड़ियां है ये टिपिकल वेडिंग साड़ी ही है, आप इसे वेडिंग लुक में ही पहन सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख लो पहले। तो ये बाहर का लुक है इसका, सो ये देखिए कितनी हैवी है, छोटे छोटे इसमें स्टोन्स लगे हुए हैं इसका, ये ओहो ये ही सबसे ज्यादा हैवी है मुझे तो ऐसा फील होता है। देन टर्न करिए आप उसको, और ये देखिए ये है उसका पूरा, ये पल्लू है, ये पूरा पल्लू ऐसा, ये साड़ी में इतने स्टोन, ये बॉर्डर इतनी हैवी है। एंड देन नेक्स्ट पार्ट अभी दिखाती हूँ, नेट, इसकी नेट की भी ऐसी ही हालत है फ्रेंड्स, ये देखिए ये नेट देखिए, ओहो बहुत ही ज्यादा हैवी है, माय गॉड ये साड़ी, सच में बोलो ये साड़ी तो मुझे ऐसा फील होता है कि ओह ये साड़ी एक बार पहन लो फिर ऐसा लगेगा पहनो ही ना। इसकी जो मरून कलर की साड़ी है ना, हमारे में चुनरी का फंक्शन होता है जब ससुराल के तरफ से साड़ियाँ उड़ाया, मतलब साड़ी दी जाती है, तो चुनरी वो साड़ी जो है ना वो चुनरी की तरह उड़ाते हैं। पहले क्या चुनरी देते थे, बट अभी क्या साड़ियाँ ही गिफ्ट करते हैं, बिकॉज साड़ी क्या हमेशा पहन सकते हैं, चुनरी हम यूज नहीं कर पाते ना, तो इसलिए उड़ाते। तो उस टाइम पे मुझे वो मैरून कलर की साड़ी चढ़ाई थी, माई गॉड जब ये साड़ी मैंने अपने सर पे ली थी वो साड़ी सर पे रह ही नहीं रही, वो सर से नीचे से वो गिर जाती,
फिर मैं ऊपर डाल दूँ फिर गिर जा रही है, फिर मैं ऊपर डाल दूँ फिर गिर जा रही है। मतलब मेरा इतना बुरा हाल हो गया था, फिर मैं ऊपर डाल दूँ फिर गिर जा रही है, ऊपर डाल दूँ फिर गिर जा रही है। मेरा इतना बुरा हाल हो गया था, जैसे तैसे करके साड़ी यहाँ से पिंक पिंक मार मार के बंद से बदल चुप गई थी। तो सबने बोला कि कम से कम एक दो साड़ियाँ तो ऐसी हैवी होनी चाहिए, पर मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने मम्मी के यहाँ से एक भी साड़ी ऐसी नहीं ली थी, तो मैं बाल बाल बच गई। मैं आपको और भी साड़ियाँ जो दिखाऊंगी, आप देखना मेरी साड़ियाँ बहुत ही लाइट वेट की है, बहुत अच्छी साड़ियाँ हैं। सो मुझे ऐसा फील हो रहा था, बाप रे ये साड़ी का मैं करूँ तो करूँ क्या, बट ठीक है अभी ली तो फिर एक फंक्शन में बोला पहन लेती हूँ यार, फिर एक फंक्शन में पहना, फिर उसके बाद दोबारा हिम्मत नहीं हुई साड़ियाँ। सो ये एज इट इज पड़ी हुई है, मैं इनको देखती हूँ ये मुझे देखते हैं, हम खुशी खुशी एक दूसरे को देख के संतुष्टि कर लेते हैं, हाँ भाई मेरे पास साड़ी हैवी है एक। बट फिर अभी ये सोच रही हूँ कि क्या करूँ, किसी फंक्शन में पहन लूंगी, कम से कम एक दो बार पहनूंगी, तब लगे पैसे तो वसूल हो गए। तो बस वो भी प्लानिंग करेंगे इसको कहाँ पहनना है, और सोच रही मैं वीडियो वीडियो बनाऊंगी इसकी साड़ी पहन के। ये देखिए ये साड़ी बहुत हैवी है, और ये एक्चुअली मुझे पता है येलो कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और येलो ऑरेंज मुझे ये सारे पसंद है, मुझे ना डार्क कलर बहुत अच्छा लगता है। तो और डार्क कलर मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे सूट भी करते हैं, तो मैंने ये येलो कलर के साथ, एंड येलो मस्ट है, आपने मेरे बाकी वीडियोज में भी देखा होगा, मैं आपको सबसे ज़्यादा येलो कलर में ही दिखी होंगी नहीं, बिकॉज येलो कलर मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद है, आई लव येलो कलर। तो मैं आपको अधिकतम उसी कलर्स में ज़्यादा दिखूंगी, घर पे बाहर वीडियोस टॉप में कुर्तीज़ में साड़ीज़ में, मुझे इतनी पसंद है येलो कलर कि मैं अधिकतम येलो कलर्स में ही दिखती हूँ। सो ये येलो कलर एंड ये सब शादी के, एक्चुअली क्या मालूम ये सब शादी के कलर ही हैं, हम ये सब कलर ही खरीद सकते हैं शादी के, मेरे पास है दो तीन लाइट कलर है, तो मैं कभी पहनती हूँ तो मुझे ऐसा बोलते हैं रंगी क्या लाइट कलर पहन जाएंगे, बट लाइट कलर का भी अपना एक अलग ही मजा है, वो भी अपने आप में अच्छी लगती है। बट अगर वेडिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये सारी साड़ियाँ हैं कि हम एवरी टाइम पहन सकते हैं। तो मैं सच में बताऊँ, अगर जिसकी भी शादी होने वाली है ना, प्लीज़ आप महंगी साड़ियों में बिल्कुल इन्वेस्ट मत करना, हैवी साड़ियों में बिल्कुल इन्वेस्ट मत करना, बिकॉज आप सोचते हो बट आप पहन नहीं पाते हो। और जितनी लाइट साड़ियाँ होंगी ना, आपको ऐसा फील होगा शादी है, अभी मैं शादी है तो मैं एक साल तो हैवी पहनूंगी, बट नहीं हो पाता, सीरियसली बताऊँ बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया, मुझे तो इतना शौक है फिर भी नहीं, मैं तो मुझे तो साड़ियों का बहुत ही ज़्यादा शौक है, बट मेरे हस्बैंड को नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा साड़ियाँ पसंद नहीं करते हैं, जिसके वजह से मैं बहुत ऐसे लिमिटेड साड़ीज पहनती हूँ, बहुत सोच समझ के साड़ी पहनती हूँ, इसीलिए मैं अपने भगवान को शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरी इतनी अक्ल काम की कि मैंने एटलीस्ट लाइट लाइट साड़ियाँ ले ली अपने लिए कि चल जाएगा भाई, अब मैं लाइट है तो मैं पहन लेती हूँ, चलो ठीक है ठीक है, बाकी हैवी साड़ियाँ अगर है तो फिर वेस्ट हो जाता है लेना। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आपकी शादी होने वाली है, बिकॉज अभी बुरा शादी का सीजन चल रहा है, तो आप कुछ ऐसी साड़ियाँ लेना जो एवरग्रीन हो, आज के ट्रेंड में बिल्कुल मत जाना कि इस ट्रेंड में ऐसी साड़ी से चल रही है तो ऐसा ही लेने, आप ऐसी साड़ियाँ लो जो एवरग्रीन, जैसे बनारसी होगी, सिल्क होगी, ये साड़ियाँ जो शिफॉन साड़ियाँ होगी, ये साड़ियाँ एवरग्रीन साड़ियाँ होती हैं, आप इसे कभी भी कहीं पर भी कैरी कर सकते हो, एंड ये चार पाँच छः साल के बाद भी पुरानी नहीं होती। अभी नेट साड़ियों का ट्रेंड चला गया, आप कहीं पर भी देखो आपको कहीं पर भी मिलेगी, मेरे तो लगता है शायद ही किसी ने पहनी होगी नेट साड़ी, नहीं अभी तो बहुत कम ही हो गया है, वीडियोस में भी नहीं आते, तो ऐसा फील होता है वो तो फैशन चलेगी, बट ये सब ले लो आप, मज़े में पहनो, इजीली कैरी करो, बहुत ही मज़ा आएगा, और लाइट वेट लो, बिकॉज हम ऐसा सोचते हैं बट ऐसा होता नहीं है। तो शादी के बाद बहुत ही लाइट लाइट साड़ीज़ पहनने का ही मन करता है, और अच्छा भी लगता है अगर लाइट साड़ीज़ पहनते, मेरा अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, अपनी अपनी चॉइस होती है। सो मैं अपना वीडियो आज यही पेंड कर रही हूँ, ये वीडियो दो पार्ट में आएगा, तो जिनको भी ये साड़ी कलेक्शंस और देखने हैं मेरे सेकंड पार्ट, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि जिनकी शादी होने वाली है वो मेरे कलेक्शंस देख सके, उनके माइंड में कुछ आइडिया आए तो वो अच्छी अच्छी साड़ियाँ भी खरीद सके। और मेरे वीडियो में नए हैं, जो मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं और वीडियोस बनाऊँ, खुशी खुशी बनाऊँ, व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स आते हैं ना तो वीडियोस बनाने में बहुत मज़ा आता है, फिर ऐसा लगता है कि यार बनाओ 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 और बनाओ, देखेंगे देखेंगे देखेंगे, मतलब फैमिली है भाई, फैमिली है तो बात करने मिलेगा, बनाओ, बट व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते तो थोड़ा दिल टूट जाता है, थोड़ा दिल टूट जाता है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, आप देखिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इन साड़ियों की सबसे अच्छी साड़ी आपको कौन सी लगी, एंड
एंड मैंने टोटल कितनी साड़ी आपको दिखाई वो भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और मेरे सेकंड पार्ट का जरूर वेट करना, वो भी मैं लेके आऊंगी, बहुत जल्द लेके आऊंगी। सो मैं आज अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।